31 अक्टूबर से पहले सभी 10 आईपीएल टीमों को अपनी रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की जो लिस्ट है ना वो बीसीसीआई को सबमिट करवानी होगी और एक टीम मैक्सिमम 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है जिसमें एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर होना चाहिए। इसके अलावा 5 खिलाड़ी और रिटेन कर सकती है और इन 5 खिलाड़ियों पर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 5 के 5 ओवरसीज खिलाड़ी रिटेन कर लो या 5 के 5 इंडियन खिलाड़ी रिटेन कर लो, कोई लिमिट नहीं है। परंतु 6 खिलाड़ी जो रिटेंशन का ऑप्शन है ना कि आप 6 मैक्सिमम खिलाड़ी रिटेन कर सकते हो उसमें एक अनकैप्ड खिलाड़ी होना चाहिए। या आप ऐसे कर सकते हो कि एक खिलाड़ी रिटेन कर लिया, 5 खिलाड़ियों पे जब मेगा ऑप्शन में उतरे तो आरटीएम यूज कर सकते हो। तो टोटल 6 खिलाड़ी होने चाहिए इंक्लूडिंग आरटीएम। अगर 4 खिलाड़ी रिटेन करते हो तो 2 खिलाड़ियों पे आरटीएम यूज कर लो। अब 5 खिलाड़ी अगर आप रिटेन करते हो प्लस 6 अनकैप्ड प्लेयर होता है तो पहला जो रिटेंशन होगा ना वो 18 करोड़ रुपए मिलेंगे और दूसरा जो रिटेंशन होगा वो 14 करोड़ रुपए में और तीसरा जो रिटेंशन होगा ना वो 11 करोड़ रुपए में, चौथा जो रिटेंशन होगा ना वो 18 करोड़ रुपए में और पांचवा जो रिटेंशन होगा ना वो 14 करोड़ रुपए में। ये 5 खिलाड़ी रिटेन करने के लिए एक फ्रेंचाइजी के 75 करोड़ रुपए कट जाएंगे। फिर 6 खिलाड़ी अनकैप्ड खिलाड़ी जिसको रिटेन करना है उसको 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर एक टीम पूरे 6 के 6 खिलाड़ी को रिटेन करती है ना तो उनके पर्स में से 79 करोड़ रुपए कट जाएंगे और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 120 करोड़ रुपए का पर्स होने वाला है। मतलब अगर 6 खिलाड़ी कोई टीम रिटेन कर रही है तो 79 करोड़ रुपए कट गए। अब आपके पास मेगा ऑक्शन में जाने के लिए मात्र और मात्र 41 करोड़ रुपए बचेंगे। तो आरसीबी की टीम किन 6 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, क्योंकि माता पच्ची है, एफ डुप्लेसिस, कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, विल जेस, ये 4 विदेशी खिलाड़ी है जिनमें लड़ाई चलने वाली है। इंडियन नामों में विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार, यश दयाल, मतलब 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पे आरसीबी सोचेगी कि इन 8 में से कौन से वो 6 खिलाड़ी है जिनको रिटेन किया जाए और कौन से वो खिलाड़ी है जिनको छोड़ा जाए। जैसे फेफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करें या रिलीज करें, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल पिछले 2 सीजन से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और 2024 आईपीएल में तो जितने तो 0 ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया ना उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करने वाली है। तो आरसीबी की रिटेंशन की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है ना वो विराट कोहली का है। 18 करोड़ रुपए में विराट कोहली रिटेन होने वाले हैं। आईपीएल 2024 में 741 रन बनाए और 2008 से आरसीबी के लिए ही खेल रहे हैं और 8004 रन आईपीएल में बना चुके हैं 252 मैचों में। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने 8000 से ज़्यादा रन बनाए। आरसीबी की रिटेंशन की लिस्ट में दूसरा जो खिलाड़ी होने वाला है वो है रजत पाटीदार, 14 करोड़ रुपए में। रजत पाटीदार विराट कोहली के बाद में कोई भरोसेमंद बल्लेबाज, जो इंडियन बल्लेबाज, भाई विराट कोहली के बाद में कोई ऐसा बल्लेबाज नज़र नहीं आता जो भरोसा देता है, जो मिडिल ऑर्डर में आगे स्पिनर्स को अच्छा खेल सके। अब रजत पाटीदार पिछले 2-3 सालों में आरसीबी के मिडिल ऑर्डर का एक बैकबोन बन चुके हैं। स्पिनर्स के खिलाफ 200+ की स्ट्राइक रेट रहती है, मिडिल ओवर्स में आके वो तेज गति से रन बना सकते हैं। तो रजत पाटीदार रिटेन होने वाले हैं और नंबर 2 रिटेंशन पे रहेंगे, 14 करोड़ रुपये में रिटेन होने वाले हैं। नंबर थ्री रिटेंशन एक ओवरसीज खिलाड़ी विल जेस, नंबर 3 पे खेले थे आईपीएल 2024 के शुरुआती मैचों में तो मौका नहीं मिला था, परंतु जैसे ही मौका मिला आरसीबी का भाग्य भी बदला, एक शतक भी लगाया और अपनी गेंदबाजी से भी प्रभावित कर सकते हैं। तो 11 करोड़ रुपए में नंबर 3 रिटेंशन के रूप में विल जेस को आरसीबी की टीम रिटेन करेगी। नंबर 4 रिटेंशन अब एक गेंदबाज मोहम्मद सिराज, 2018 में आरसीबी से जुड़े थे और पिछले 6 सालों से आरसीबी का पार्ट है। और कोई एक गेंदबाज, क्योंकि आरसीबी की सबसे कमजोर कड़ी क्या रही है, गेंदबाज। यूजी चहल को रिलीज कर दिया, मतलब वो सरप्राइजिंग पैकेज था। अब एकमात्र मोहम्मद सिराज ऐसा लगता है कि विकेट टेकर गेंदबाज इनके पास है, इसके अलावा कोई विकेट टेकर गेंदबाज नजर नहीं आता है। तो मोहम्मद सिराज को आरसीबी की टीम रिटेन करेगी और नंबर 4 रिटेंशन के रूप में मोहम्मद सिराज 18 करोड़ रुपए में रिटेन होने वाला है। नंबर 4 जो रिटेंशन है ना उसको 18 करोड़ रुपए देने होंगे और मोहम्मद सिराज, मैं चाहता हूँ कि इंडियन खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपए दिए जाए ना कि किसी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपए दिए जाए। तो नंबर 4 रिटेंशन के रूप में मोहम्मद सिराज। नंबर 5 रिटेंशन, ये लास्ट ऑप्शन बचा है क्योंकि बाद में तो एक जो 6 ऑप्शन होगा वो तो अनकैप्ड खिलाड़ी होना चाहिए। तो नंबर 5 रिटेंशन में फेफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन। फेफ डुप्लेसिस 40 साल की एज हो चुकी है, लगातार अच्छा कर रहे हैं, मेजर लीग क्रिकेट हुई यूएसए में वहाँ पे अच्छा किया, सीपीएल जो चल रही है कैरेबियन प्रीमियर लीग उसमें अच्छा कर रहे हैं, जो भी लीग्स खेल रहे हैं ना वहाँ पे लगातार रन बना रहे हैं। परंतु क्या 40 साल के खिलाड़ी को आप 14 करोड़ रुपये दे के रिटेन करोगे और कितना फ्यूचर है, क्या 3 साल वो आपको दे सकते हैं अगले 3 साल?
नहीं दे सकते, तो फेफ डू प्लेसिस को आरसीबी की टीम रिलीज करने वाली है। अब रेस आ गई दो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल एक ऑलराउंडर, कैमरून ग्रीन भी एक ऑलराउंडर। ग्लेन मैक्सवेल पिछले 3 से 4 साल से आरसीबी से जुड़े हुए, एक दो सीजन अच्छे गए 21 और 22 का, पर 23 और 24 में लगभग फ्लॉप सोन का देखने को मिला। और ग्लेन मैक्सवेल की एलबी 34-35 साल है, ठीक है वो 3 साल अगले दे देंगे। आप ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन कर सकते हो, मिडल ऑर्डर या फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, जरूरत पड़े तो गेंदबाजी भी करवा सकते हैं, पर 14 करोड़ रुपये आप ग्लेन मैक्सवेल को दोगे, क्या उतना भरोसा दे रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल? उनको रिटेन करना सही है, मुझे लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल को भी रिलीज करना चाहिए। कैमरून ग्रीन को नंबर 5 रिटेंशन के रूप में आरसीबी को रिटेन करना चाहिए। क्यों ग्लेन मैक्सवेल और फेफ डू प्लेसिस के बजाय कैमरून ग्रीन रिटेन हो? कैमरून ग्रीन 21-22 साल के अभी तो खिलाड़ी, यंग उभरते हुए ऑलराउंडर है वर्ल्ड क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे उनको ग्रूम कर रहे हैं, तो ऐसे ऑलराउंडर को आप रिटेन करना चाहोगे? और ऐसा नहीं कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए कोई खराब प्रदर्शन किया, गेंदबाजी से भी विकेटें लेके दी, 11 विकेटें ली और बल्लेबाजी से भी 250 के करीब रन बनाया। नंबर 1 ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 फिनिशर की भी भूमिका निभा सकते हैं, तो हर पोजीशन पे तो बल्लेबाजी कर सकते हैं। मिडिल ओवर्स में आपको गेंदबाजी करके दे देंगे, नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, उभरते हुए ऑलराउंडर है। आप ऐसे खिलाड़ी को अपने साथ रखना चाहोगे, उस पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, उसको ग्रूम करना चाहोगे, तो नंबर 5 रिटेंशन के रूप में आरसीबी कैमरून ग्रीन को रिटेन करेगी 14 करोड़ रुपये में। अब एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर रिटेन करना है, यस दयाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है मयंक डागर उनके पास है, पर मयंक डागर को क्या रिटेन करना सही है? स्वप्निल सिंह ने भी अच्छा किया, परंतु स्वप्निल सिंह को भी रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। अनुज राउत, महिपाल रोमरोड, क्या इनकी बल्लेबाजी इतना भरोसा देती है? ना तो महिपाल रोमरोड की बल्लेबाजी भरोसा देती है, ना अनुज राउत की बल्लेबाजी भरोसा देती है। यस दयाल 5.5 करोड़ रुपये में आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में खरीदा था, तब लोगों ने सवाल उठाए थे कि आरसीबी ने यार ये यस दयाल को क्यों खरीद लिया यार, इसको तो जरूरत ही नहीं थी खरीदने की, ये तो सबसे खराब गेंदबाज है, 5 छक्के का है। पर आईपीएल 2024 में आए, गेंदबाजी से लगातार प्रभावित किया, एमएस धोनी का विकेट लेके आरसीबी को क्वालिफाई भी करवाया, नई गेंद से गेंदबाजी करी, डेथ में गेंदबाजी करी, और एक मोहम्मद सिराज के बाद में ऐसे गेंदबाज उभर करके आए जो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मतलब दो इंडियन गेंदबाज हो जाएंगे ना आप, अब जैसे मोहम्मद सिराज और यश दयाल, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार दो इंडियन तेज गेंदबाज हमारे पास प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, फिर आपको तीसरे गेंदबाज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 6 नंबर के रिटेंशन के रूप में नंबर 6 रिटेंशन आरसीबी का होने वाला है यश दयाल, जो कि 4 करोड़ रुपये में रिटेन होंगे।